हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्धार्थ कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर विजय सर के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। ले जी, गेट का खात्मा एंड हो गया, 2024 का गेट खत्म हो गया और कई दोस्त जी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस सबकी रही, जिनकी नहीं रही तो कोई बात नहीं यार, अगले साल से डिसार्ट ही होना। कबूतरबाजी का दूसरा नाम, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कबूतर परवरी का दूसरा नाम है डिसार्ट होना, दिल पे लगा लेना, ऐसे मट्टी पाओ। वो पंजाबी जी की कहते रहे, जेड़ा गुजर गया होता तो मट्टी पाओ यार, छड़ो दफा करो उसको, तो इसलिए दफा करो जी, जेड़ा लांग गया टाइम लांग गया, अगले की तैयारी करें। देखिए यार, कबूतर परवरी है ही है मनहूसत हर वक्त रिसार्ट, अज यह चला गया, जो मर गया है, बीमारी पै गई, कोई ना कोई ये है ही बीमारी, कबूतर परवरी है ही बीमारी, कोई ना कोई बीमारी पैंदी रहती है। आज बड़े दोस्तों के साथ यार थोड़ा सा जरा एक हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है, असल में बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है, आप बिलीव करें वाकई बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और कबूतर बेचारे भी परेशान हुए हैं, की करिए। ले जी, आज हमारी पहली एपिसोड है, मैं क्या दोस्तों से माजरत, याद थोड़ा सा आज एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई उनके सबसे माजरत, और आज से जी हमारी स्टार्ट हो रही है एपिसोड 1, जो कि हमारी तैयारी कराएंगे 2024 असूज की तैयारी की। देखिए यार, जो गुजर गया उसको छोड़ दो, अब आगे की तैयारी करें, असूज आ रहा है और पुटाइयाँ हम करेंगे जी नेक्स्ट मंथ। ये आज मेरा ख्याल है जून की तकरीबन 16 है मेरे ख्याल से शायद आज, तो खैर जो है आगे अब आ रही है अपना जुलाई, जुलाई के फर्स्ट वीक में 5 तारीख को हम कुटाई कर देंगे कबूतरों की इंशाल्लाह। उससे पहले क्या क्या करना है वो काम हम सारे शुरू कर देंगे। देखिए यार, मेरे कई फिर दोस्त पता क्या कहते हैं, यार वो हमने वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा लगाया यार, उसका वो मज़ा नहीं है जो आना चाहिए था, कबूतर उड़े हैं लेकिन कबूतर हैं जो है। देखो, जब आप तैयारी स्टार्ट से करेंगे ना, आपको भी मज़ा आएगा, आप कहेंगे कि यार वाकई जिस तरह तैयारी कराई है और जिसे कहते हैं मज़ा आया कबूतर उड़ाने का, फिर नुस्खा लगाने का भी आपको मज़ा आएगा। देखिए, तैयारी का मकसद करवाने का क्या होता है कि यार नुस्खा जब आप लगाओ कबूतर आपके ऐसे परफेक्ट हुए हों। देखें, जो जो अपने जिनके उस्ताद हैं उनकी उस्ताद की तरफ से उनकी करें, और जिनके उस्ताद नहीं है वो बाकी को भी देखें और हमारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। देखिए यार, असल मकसद है ही फ़ायदा पहुँचाना, कि चलो यार किसको नहीं पता वो कर लें। ले जी, आज हमारी एपिसोड है कबूतर, हमने छांटी कर दी है सारे, आप देखिए कबूतर काम हो गए, आप देख रहे होंगे कबूतर पीछे काम हो गए हैं। मैंने जी 23 कबूतर जो है ना उनको अल्लाह हाफिज़ कह दिया, मसलन वो यानी कि कबूतर कुछ पट्ठे पट्ठियाँ मैं दोस्तों से लेके आया, अच्छे उड़े थे नो डाउट, लेकिन वो शायद मेरे कैलिबर पे मेरे कैटेगरी में पूरे नहीं उतरे, तो मैंने तकरीबन 28 कबूतर रखे, 23 कबूतर जो है ना वो दोस्तों को कहा कि यार आके गिफ्ट ले जाओ, वो सारे फौरन पहुंचे। गिफ्ट तो ना लेते, सारे पहुंच गए उसे रात पहुंच कर ले गए। तो ये जी ये चलता रहता सारा। अब जी 28 कबूतर है, मैंने आपको क्या बताया था कि जी असूज में हम उड़ाएंगे ज़्यादा बच्चे, बच्चों की परफॉर्मेंस लेंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, देखेंगे। ले जी, आज हमारी पहली एपिसोड है, करना क्या है, अब पीछे खत्म हो गया जेठ शेड खत्म दी एंड हो गया, अब आगे क्या करना है, कबूतर गए थक, बैसाख उड़ाया जेठ उड़ाया कबूतर थक जाता है, सबसे पहले आपने कबूतरों की परफॉर्मेंस के लिए कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो, इनका वेट कैसे बेहतर हो। कई मेरे दोस्त कह रहे हैं जी सोखे में जा रहे हैं जी, कबूतर सोखे में जा रहे हैं, हड्डी सिप निकल रही है, गर्मी में निकलती निकलती है सिप, नहीं करेंगे। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, कबूतर की हड्डी सोखे को बचाने के लिए, आज पहली एपिसोड है इसलिए आपने सारे कबूतरों को, मैंने मेजोरिटी कबूतरों को कर दी है लेकिन मैंने कहा पहले वीडियो बना लो फिर बाकी करता हूँ। आपने जी इनको ना इनको इनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, इनका वेट बढ़ाने के लिए, अगर सोका पाड़ा उसको बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी दुम्मे आदि काट देनी। कैसे काटनी है, पहले तो ज़्यादा शौक करें, ये जी एक कबूतर है मेरा है, ये उसका पैंती वाला कबूतर है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है ये असूज में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इसकी जी आपने दुम काट देनी है, ये देखिए, और काटनी ये नहीं है नीचे से रख के रगड़ा लगा देना है, इसको आधी दुम बस ऐसे करके काट देनी है, ठीक है। ये देखें दुम काट गई इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या कर रहे हैं कि इसके ये पर है ना साइड के, चार चार पांच पांच पर जो है, ये पांच पर जो है ना आखिर वाले पांचवें पर की अंदर से, यानी कि एक पर दो पर तीन पर, ये पांचवा पर जो अंदर वाला है ना, इसकी नुक्कर तक आपने काट देना है, फिर बताता हूँ फायदा क्या होगा। ये देखिए, इसको हल्का सा आप यहाँ तक बस काट दें कि उसकी पांचवी पर, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच, बस ऐसे कुतर देना है, ये नहीं करना नीचे रखे के काट दें वो बेचारा उड़ ही ना सके, बस आपने इतना रख के काट देना है, इसी तरह दूसरी तरफ से पकड़ के उसको पांचवें पर तक उसको ऐसे रगड़ देना है बस, ये ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा, अब ये कबूतर हो गया जी टुंड मुंड हो गया कबूतर, टुंड मुंड मतलब पार्शर उसके
खत्म हो गए हैं। अब इसका फायदा क्या है, एक सबसे बड़ा आपको आज एक बताता हूँ फायदा, कबूतर जब थक जाता है परवाजों परवाजों में, अब रेस्ट के डेज आ गए हैं उसके, रेस्ट मतलब उसको मिलनी है तकरीबन कोई 20 दिनों की, 20 दिनों के बाद हमने खींच देने कबूतर। खींचने से पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि कबूतर के ना आप इस तरह दुम कर दें और पार इस तरह कर दें, इससे होगा कबूतर सोखे में नहीं जाएगा। क्यों, इसकी लॉजिक सबसे पहले होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ जी उस्ताद ने किया सी जी, फलाने ने मनु दसिया सी, मैं वीडियो देखी सी। लॉजिक ये होती है जब कबूतर की ये चीज़ काट जाती है ना, तो कबूतर की सर्कुलेशन जो होती है रुक जाती है। कुदरती एक चीज़ है, अल्लाह ना करे, मैं वैसे आपको एक मिसाल देने के बताने लगा, फर्ज कर ले बंदे का कोई हाथ या उंगली या कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ में आ गई जहाँ पर नीला हो जाता है ना, वो क्या होता है, खून की सर्कुलेशन जाती, चोट लग जाती है, उसके बाद वो बस कुदरती तौर पर ठीक नहीं होता, वो बस झड़ता ही है वहाँ से, मसला नाखून टूट जाए तो नाखून वो जिसे कहते हैं ना, वो फिर वो झड़ता है, कभी ऐसा हुआ वही नाखून रिपेयर हो जाए, कभी नहीं होता, वो झड़ता है तो नया निकलता है। इसी तरह कबूतर का जब ये निकल जाता है ना, तो खून की सर्कुलेशन परों में नहीं जाती कबूतर के, तो क्या होता है, खून सारा जो होता है ना कबूतर के जिस्म को लगता है, उसको पता होता है कि यार ये कट गई, दुम भी कट गई, साइडों पर भी कट गए, तो उसकी सर्कुलेशन ब्लड की उसके मैदे को कबूतर की बॉडी को लगती है, कबूतर 3-4 दिनों में एकदम फिट होना शुरू हो जाता है। ये मैं ही नहीं कहता कि एकदम ही फिट हो जाता है, मतलब ये है कि कबूतर सेहतमंद होना शुरू हो जाता है, इसकी सबसे बड़ी लॉजिक ये है। और आज ही हमने कबूतरों को सबको टूर्नामेंट कर देना है और इसी तरह कर देना है। मेरे कई दोस्त कह रहे हैं कि जी वो आप शॉर्ट वीडियो बनाए, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया करेंगे या छोटी बनाया करेंगे, आप देखें इंशाल्लाह कि ये कबूतर का, ये देखें ये कबूतर को इस तरह कर देना आपने, इससे आपको 3-4 फायदे, यही मैंने सबसे पहले बताया, कबूतर की हड्डी नहीं निकलेगी 1, कबूतर को सोके में नहीं जाएगा 2, कबूतर बेचारा जो थका होता है ना फ्रेश हो जाता है, मसलन क्या वो ठाप शाप मारता है, इतना उड़ता नहीं है, ठाप कम लगती है, कबूतर के वेट जो है ना वो कम नहीं होता और कबूतर आराम से जिसे कहते हैं ना अपना आ जाता है। ले जी ये आपको बताया कि जी इसको कबूतर को इस तरह कर लेंगे और कबूतर की फिर तैयारी आगे दिखाएंगे साथ साथ आपको, अगली वीडियो बनाएंगे जी अपना कबूतर को, एक और नुस्खा आपको बताएंगे कि जी कबूतर का हम सोका कैसे दूर कर सकते हैं, सोका ना पड़े कबूतर को, बड़ा आसान रेमेडी है, एक दो वीडियो बनाएंगे, कबूतर बीमारियों में आ रहे हैं यार कबूतर, मैंने देखा है मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा मुझे कह रहे हैं कि यार बीमारी में आ रहे हैं, इंशाल्लाह सारी वीडियो उसी पर बनाएंगे और फिर आगे खींचेंगे जी, जुलाई के फर्स्ट वीक में कबूतर असूज के लिए खींच देंगे। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं शहजाद कुरैशी आपका होस्ट व्लॉगर पिंजरा साहब के साथ, जितने मेरे दोस्त हैं ये सारे कबूतर ऐसे कर लें और इंशाल्लाह इस बाजी में हमने उड़ाने ही ज़्यादा बचे हैं। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं शहजाद कुरैशी आपका होस्ट व्लॉगर पिंजरा साहब के साथ, अल्लाह हाफिज़।